आमिर सबसे थैंक यू और अभी मैंने नोटिस किया आपके जो अभी ठीक है हाँ बिल्कुल बहुत भला हो जाएगा। उड़ता पंजाब फिल्म को लेकर सियासत पहले उतना गरमाई हुई है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या है, कोई भी जो फिल्म है ना, वो जो एक आर्टिस्ट का जो आर्टिस्ट की आवाज़ होती है उसको दबाना नहीं चाहिए। और जाहिर है कि आर्टिस्ट की भी एक जिम्मेदारी होती है कि वो कुछ ऐसा ना दिखाए जो समाज में ठीक ना हो, तो ये आर्टिस्ट की ज़िम्मेदारी भी होती है। और आर्टिस्ट की जो एक आज़ादी होती है कहने के लिए, वो दबाई नहीं जानी चाहिए। आप छोड़ दो, बेफिक्र, एक इंच में कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो मुझे लगता है कि उड़ता पंजाब जो उसके साथ हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया वो सही डिसीजन है। और अब जो है फिल्म कल रिलीज़ हो रही है, तो हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं उस फिल्म का। और मैं यहीं पंजाब में देखूंगा क्योंकि मैं तो यहीं हूँ इस वक्त। तो आमिर, एक और कंट्रोवर्सी ये हो गई कि जो कॉपी सेंसर को दी गई थी देखने के लिए जी, वो टोरेंट पे और कुछ वेबसाइट्स में लेकिन आप श्योर है कि ये सेंसर से निकली है? उस पे जो लिखा हुआ आ रहा है वो सेंसर कॉपी लिखा हुआ है। ये आप कंफर्म कर रहे हैं मुझे? नहीं, मैं कंफर्म, क्योंकि कंफर्म कर रहे हैं तो अलग बोली, फिर आप अपना चेहरा दिखाइए कैमरे में कि आप कंफर्म कर रहे हैं। हाँ, सो इफ इट्स नॉट कंफर्म्ड आई कांट कमेंट ऑन इट। बट द क्लिपिंग्स ऑन टॉरेंट से फॉर सेंसर, सो अ लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स हैव बीन रेज्ड दैट व्हाई द सेंसर कॉपी हैज कम आउट ऑन। सी इफ इट इज अ सेंसर कॉपी, वी आर नॉट श्योर इफ इट्स अ सेंसर कॉपी। इफ इट इज अ सेंसर कॉपी दैट्स कम आउट ऑन टॉरेंट, देन दैट्स a big shame. It's a big shame for the CBFC and you know it's something which will reflect very badly on the CBFC if it's a censor copy. If it's not a censor copy, then piracy is an issue that we have been fighting for very long, and unfortunately जो मुझे लगता है piracy जो है आम तौर पे जो आम इंसान है जब वो पायरेटेड फिल्म देखता है तो उसको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि वो चोरी कर रहा है। अगर मैं कोई पायरेटेड फिल्म देखूं, अगर मैं दुकान में जाके सदा जी मेरा जवाब सुन लो ना, सदा जी मेरा जवाब सुन लो। अगर मैं किसी दुकान में जाके टीवी चोरी कर लूं और मैं किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना छीन लूं तो मुझे लगता है कि मैं चोरी कर रहा हूँ। लेकिन जब हम पायरेटेड फिल्म देखते हैं तो हमको ये एहसास भी नहीं होता कि हम चोरी कर रहे हैं, हम कुछ गलत काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सोसाइटी में ये सेंसिटिविटी बढ़े, क्योंकि ये लोग जो क्रिएटिव लोग हैं, हम क्रिएटिव लोग हैं जो हम काम करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। और इसमें सिर्फ स्टार्स नहीं हैं, इसमें पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग मौजूद हैं, इसमें स्टंट मैन हैं जो अपने जान पे खेल के काम करते हैं, इसमें म्यूजिशंस हैं, इसमें लेखक हैं, हर क्रिएटिव फील्ड के लोग जुड़ते हैं और वो फिल्म बनाते हैं। तो ये बड़ी दुख की बात है कि इस वक्त वो संवेदनशीलता नहीं है लोगों में कि जब आप कोई पायरेटेड फिल्म देखते हैं तो आपको नहीं लगता कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं या कोई चोरी कर रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी मेरे हिसाब से ऑडियंस के साथ हमको ऑडियंस पे छोड़नी चाहिए कि उनको ये एहसास हो कि नहीं, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। जब मैं किसी के घर में जाके चोरी नहीं करूँगा, जब मैं किसी का खाना छीन के नहीं खाऊँगा, जब मैं किसी के दुकान से कोई चीज़ चोरी नहीं करूँगा, कहीं से जाके टीवी चोरी नहीं करूँगा, तो इसी तरह मैं ये चोरी भी नहीं करूँगा। ये खुद लोगों में एहसास आना चाहिए, ये मुझे लगता है। हाँ जी, अभी क्या सीक्वेंस इस समय जो मैं शूटिंग कर रहा हूँ, पिछले दफ़ा जब मैं लुधियाना आया था तो मैं बहुत ही मोटा था और मैं उस वक्त शूटिंग कर रहा था जो महावीर फोगाट जो किरदार है मेरा, जब वो बूढ़ा हो चुका है, जब वो ज़हीफ़ हो चुका है, उस पोर्शन का शूटिंग हमने किया है। और 85% फिल्म वही है। और ये जो हम पोर्शन शूट कर रहे हैं जब महावीर जवान था, ये उस पोर्शन का हम इस वक्त शूटिंग कर रहे हैं कि व्हेन ही वाज यंग, हाउ डिड आई लूज वेट। हर आदमी मुझसे ये पूछ रहा है कि आपने वजन कैसे कम किया। मैं आपको नहीं, उसकी वजह यह है कि जब मैंने शूटिंग शुरू की थी तो मैं पीके ख़त्म कर चुका था और पीके मेरी बॉडी अच्छी थी, 9% बॉडी फैट था, मैं बड़ा फिट था। तो जब मैंने ये कहानी सुनी और हमने तय किया कि हम ये करेंगे, तो डायरेक्टर ने कहा आप तो तैयार हैं, हम शुरू करते हैं इससे, और फिर आप वज़न बढ़ा के आप सेकंड पार्ट करिए जिसमें आप बूढ़े हैं। तो मैंने कहा अगर मैं वैसा करूँगा तो जब आपकी फ़िल्म कंप्लीट होगी, मुकम्मल होगी, तब मैं 9700 किलोज़ का रह जाऊँगा और आपका काम तो हो जाएगा, अब मुझे कोई वजह नहीं होगी कम करने की। तो मैंने कहा हम उल्टा करते हैं, पहले हम मोटे का पार्ट करते हैं और फिर आप मुझे 4-5 महीने दीजिए, उसमें मेरे लिए एक गोल होगा कि भाई 5 महीने में करना ही करना है मुझे। शूटिंग रुकी हुई है, सब लोग मेरा वेट कर रहे हैं, पूरा यूनिट वेट कर रहा है, तो 5 महीने का वक्त मैंने अपने आप को दिया कि मोटे से पतला होना, 38% बॉडी फैट से 9% बॉडी फैट लाना। तो चूँकि ये लिमिटेड टाइम मैंने रखा तो मेरे लिए गोल था, तो मैं कर सका इतने वक्त में। उसका टेक्निकल तरीका क्या है मैं बताता हूँ, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं। देखिए अलग अलग, इसमें सबसे मेन मैं जो आपको बताऊँ क्या है वो डाइट है। लोग समझते हैं मैं वर्जिश करूँगा तो मैं अपनी बॉडी चेंज कर लूँगा, लेकिन अगर आपका डाइट सही नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, कितनी भी आप कसरत कर लीजिए। डाइट इज़ नंबर 1, 50% इज़ डाइट, 25% इज़ वर्कआउट एंड 25% इज़ रेस्ट। आपकी बॉडी को आप रेस्ट दीजिए, आप सोइए 8 घंटा पूरा, जब तक आप वो नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी में वो तब्दीली नहीं आएगी, वो चेंज बॉडी आपकी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। 50% इस डाइट। डाइट में क्या है, लोग अलग अलग डाइट्स फॉलो करते हैं, कोई रात को चावल नहीं खाता, कोई कम खाता है, भूखा रह जाता है, कोई हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करता है। मैं ये सब नहीं करता हूँ, जो पुराना ओल्ड फैशन तरीका है कैलोरी काउंट का, मैं उसको फॉलो करता हूँ। और कैलोरी काउंट का मतलब ये है कि हर इंसान दिन में करीबन 2000 कैलोरी एनर्जी खर्च करता है। हम काम पे जाते हैं, हम काम करते हैं, कसरत में नहीं, नॉर्मल लाइफ में। आप ऑफिस में बैठे हैं, आप कहीं काम कर रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आप घर का काम कर रहे हैं, तो आप दिन में करीबन 2000 कैलोरीज हम बर्न करते हैं। हर आदमी का थोड़ा ऊपर नीचे होता है, लेकिन अभी डिस्कशन के लिए मैं 2000 पकड़ता हूँ। तो अगर आप 2000 खर्च करते हैं दिन में एनर्जी, आप कितनी खाते हैं? अगर आपने 2000 एनर्जी खाई कैलोरीज तो आपका वज़न वहीं का वहीं रहेगा। बैंक अकाउंट है ना, 2000 आप खर्च कर रहे हैं, 2000 आप अंदर डाल रहे हैं, तो आपके वज़न में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अगर आप खर्च 2000 कर रहे हैं और 1500 खा रहे हैं तो 500 कैलोरी का घाटा हर दिन होगा। और जब 3500 कैलोरी का घाटा होता है तो आप, अरे यार आप बीच में बोलते हो यार, ऐसे मत करो यार, इतना इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोल रहा हूँ, सब लोग को ये जवाब चाहिए नहीं। आप मोबाइल बोल के क्या कर लिया आपने? उसने मोबाइल तो नीचे किया नहीं, आपने सिर्फ मुझे डिस्टर्ब किया, उसको तो कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा मेरी रिक्वेस्ट ना करें प्लीज़। तो 3500 कैलोरी का जब आप घाटा करते हैं, दिन में 500 किया, हफ्ते में वो 3500 कैलोरी का घाटा हो जाएगा। तो जब आप 3500 का कैलोरी का घाटा करते हैं तो 1 पाउंड जो आधा किलो के करीब होता है, 1 पाउंड आपका वजन कम होता है। अगर आपने ये घाटा 1000 कैलोरी का किया, इसका मतलब ये कि 2000 आप खर्च कर रहे हैं, आप 7 किलोमीटर चलिए तो 500 और खर्च हो गया। तो मतलब आपने खर्च किया 2500 और खाया आपने 1500, तो घाटा हुआ 1000 कैलोरी का एक दिन में। तो मतलब 7 दिन में 7000 का घाटा हुआ। इसका मतलब 7 दिन में आपने 1 पाउंड नहीं 2 पाउंड कम किया। ये उसके पीछे साइंस जो मैं आपको बता रहा हूँ। कैलोरी जो है, अगर आप 1500 खा रहे हैं तो वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, वो पूरा का पूरा फैट नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा प्रोटीन नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होना चाहिए, उसमें फाइबर की भी ज़रूरत है, सोडियम की भी ज़रूरत है। तो बैलेंस डाइट वो होता है, आमतौर पर हम मानते हैं कि आप कैलोरी का 20% आप फैट से लो, मतलब तेल आप लो। ऐसे कुछ लोग बिल्कुल तेल नहीं खाते, तो तेल भी, फैट भी ज़रूरी है, अच्छा फैट, हेल्दी फैट। 20% ऑफ कैलोरीज हेल्दी फैट, 30% ऑफ कैलोरीज प्रोटीन एंड 50% ऑफ कैलोरी कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत सारे लोग कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाते, उनको लगता है वज़न बढ़ता है। कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी मिलती है मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए। आपके ब्रेन को ग्लूकोज की ज़रूरत है, वरना आपका ब्रेन ठीक से फंक्शन नहीं करेगा। तो ये होता है बैलेंस डाइट। ऑल द थिंग्स आर देयर इन बैलेंस एंड यू आर हिटिंग। आप कैलोरी काउंट से कम खा रहे हो। अगर आपको वज़न बढ़ाना है तो आप उल्टा करो, 2000 खर्चा कर रहे हो, आप 3000 खाओ तो आपका वज़न बढ़ेगा। तो ये होता है हेल्दी डाइट। अब जब मैं लोगों को समझाता हूँ उनको लगता है अच्छा ये तो बहुत लंबा चक्कर बता रहा है हमको यार, कोई जल्दी कुछ नहीं है, कोई दवा खा लूँ मैं, पिल खा लूँ, कोई नहीं है, कोई पिल नहीं है, कोई दवा नहीं है। जितने लोग आपको ये सब बोलते हैं वो सब आपको गुमराह कर रहे हैं। सब जैसे आप पंजाब में हैं, पंजाबीज आर वेरी फिट, पंजाबीज आर वेरी फिट। देखिए नहीं मैं आपको बताऊं, देखिए पंजाब नहीं ऐसी बात नहीं, पंजाब में कहाँ है भैया मेरा बॉडी का, ये इनको बुलाइए, ये देखिए कितने फिट है पंजाब के, ये पंजाब के कितने फिट हैं। तो मैं जब हम लोग तो देश भर में घूमते हैं, हर जगह आपको लोग फिट और अनफिट हर जगह मिलेंगे। तो वो हर इंसान के ऊपर होता है, वो पंजाबी है फिट है अनफिट है, वो ऐसे नहीं होगा। ये अच्छा डाइट करते हैं, अच्छा वर्कआउट करते हैं तो ये फिट हैं। सर ये मामला थोड़ा भले आप पंजाब के हों कि आप कर्नाटका के हों, कहीं के भी हों। सर आप जो डाइट के बारे में बता रहे थे, क्या महावीर जी ने आपको ये तरीका बताया जिनके ऊपर आप? नहीं महावीर जी ने नहीं बताया, बल्कि महावीर जी ने मुझसे पूछा कि आप वजन कम कैसे करने वाले, मुझे भी बताइए। तो नहीं उन्होंने नहीं बताया, ये एक्चुअली इट्स ए साइंटिफिक प्रोसेस। ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ डाइटिंग का, ये एक्चुअली साइंस है, इसमें कोई मैजिक नहीं है, ये साइंस है, ये बायोलॉजी है एक्चुअली। तो जब मैंने वज़न कम करना शुरू किया तो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था कि 1000 कैलोरी का घाटा दिन में, तो आप दो पाउंड हफ्ते में कम करते हो। मैं दिन में 2500 कैलोरी का घाटा कर रहा हूँ। कैसे? क्योंकि खाना आप 1 पॉइंट के नीचे कम नहीं कर सकते, तो 1500 तो मिनिमम आपको खाना पड़ेगा, क्योंकि हम बॉडी को डैमेज भी नहीं कर सकते, हमारे ऑर्गन्स हैं उनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, तो एक बेसिक लेवल के नीचे आप कम नहीं खा सकेंगे। तो मैं 1500 खाता था, लेकिन मैं एक्टिविटी इतनी करता था, जो पहले 3 हफ्ते में मैंने करीबन 6 घंटे मैंने दिन भर, मतलब हर रोज़ मैं काम करता था। काम मतलब 1 घंटा वेट ट्रेनिंग, 3 घंटा हाइकिंग पहाड़ पे, 2 घंटा साइकिलिंग, 1 घंटा टेनिस, 1 घंटा स्विमिंग। तो मैं कंटिन्यूसली दिन भर में मैं खूब सोता था, 10-12 घंटे मैं सोता था, और मैं करीबन 6 घंटे में कैलोरीज बर्न करता था। तो जो पहले 3 हफ्ते थे, आई वांटेड अ क्विक स्टार्ट, तो पहले जो 3 हफ्ते थे मेरे, उसमें मैंने हर हफ्ते में 4 पाउंड कम किया, 4 पाउंड, बिकॉज आई वॉज गिविंग दैट डिफरेंस। हर रोज़ का जो घाटा था मैंने बढ़ा दिया था, क्योंकि मेरे पास वक्त कम था, तो मैं थोड़ा एनवेलप को पुश कर रहा था। लेकिन ये हेल्दी, आमतौर पे हेल्दी नहीं माना जाता है। आप हफ्ते में 1 पाउंड 2 पाउंड करें, बेस्ट, वही सही तरीका होता है। आप 1 पाउंड 2 पाउंड हफ्ते में करें, उससे ज़्यादा नहीं करें। मैंने ज़्यादा किया क्योंकि मेरे पास प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट थी। आपका पोस्टर जब से लॉन्च हुआ, कई लोग सलमान से आपका कंपैरिजन कर रहे थे, और सभी कह रहे थे कि आप बेटर हैं हेल्थ वाइज, रेसलर जैसी आपकी बॉडी लग रही है। आप पर्सनली क्या सोचते हैं कि सलमान? नहीं, मैं तो हमेशा सलमान का फैन रहा हूँ, मतलब एज एन एक्टर भी, लेकिन एज ए बॉडी, जो ओरिजिनली हमारे इंडस्ट्री में जिसको हम मानते थे कि जिसकी बॉडी वाकई बहुत ही अच्छी है, बहुत ही लीन मस्कुलर कटअप बॉडी जिसको हम कहते हैं, वो सलमान की हमेशा से रही है। तो अगर इंडस्ट्री में कोई शुरू से ही ये फॉलो कर रहा है, वो है सलमान। सो आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ हिज बॉडी एंड हिज यू नो हिज फिटनेस। सो आई डोंट थिंक माय बॉडी इज एज गुड एज हिम। फॉर मी ही इज द आइडियल। आई ट्राई टू कम क्लोज टू हिम। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनके नज़दीक आऊँ, क्योंकि वो जो है वो ओरिजिनल बॉडी बिल्डर, वो इंडस्ट्री है। रेसलिंग हमको सिखाया है इस फिल्म में कृपा शंकर जी ने। कृपा शंकर जी हिंदुस्तान के वन ऑफ द नेशनल कोचेज़ हैं और बहुत ही बेहतरीन कोच हैं, रेलवेज़ में काम करते हैं। तो हमने स्पेशल परमिशन ली, चूँकि ये फिल्म से रेसलिंग को एक बढ़ावा मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। तो उन्होंने अपना 1 साल दिया, रेसलिंग हमको सिखाई, मुझे, जो मेरी बेटियाँ हैं फिल्म में, उनको। तो ही इज़ अ वंडरफुल कोच। मतलब कृपा शंकर जी ने जो योगदान किया है इस फिल्म में और कुश्ती की तरफ, वो बहुत बड़ा योगदान है, और उनकी मेहनत है, उनका दिमाग है। जो आप रेसलिंग फिल्म में देखेंगे वो सब उनका उनका योगदान है। सत्यमेव जयते, वहाँ भी आपके शो में आए थे महावीर जी थे, गीता बबीता थी। उस समय आपके पास स्क्रिप्ट थी फिल्म की? उस वक्त स्क्रिप्ट नहीं थी मेरे पास, उसके बाद आई स्क्रिप्ट, मेरे पास बाद में आई। मैं रिसर्च कर चुका था उनके ऊपर, मैं उनकी कहानी जानता था और नितेश जी उसके बाद आए मेरे पास कहानी लेके। जब मैंने कहानी सुनी तो मुझे पता था ये गीता बबीता की कहानी सुना रहे हैं मुझे, और जब जिस तरह से उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी मुझे बहुत पसंद आई। हाँ जी, कोइंसिडेंस। सर ये डेट आप ये साथ कर रहे हैं सलमान खान, तो सलमान जी की जो फिल्म आ रही है सुल्तान, वो तो अभी ईद पे आ रही है, जुलाई पे आ रही है। और मैं भी बहुत ही एक्साइटेड हूँ उनकी फिल्म देखने के लिए, क्योंकि उनकी हर फिल्म बहुत ही बढ़िया होती है और बहुत ही एंटरटेनिंग होती है, हमें बड़ा मज़ा आता है। लुधियाना से शूट करके गए, मैं आंसर तो दे दूँ तो सलमान जी और मेरी जो फिल्म है उनकी कहानियाँ अलग हैं। भले आप रेसलिंग पे दोनों फिल्मों में कुश्ती का एक एस्पेक्ट है, लेकिन उनकी कहानी बिल्कुल अलग है, हमारी कहानी बिल्कुल अलग है। और मैंने उनका प्रोमो देखा अपना सुल्तान का, एक तो उनका पहले टीज़र आया था, फिर उनका प्रोमो आया, बहुत ही बेहतरीन प्रोमो भी बहुत ही बढ़िया, और उनका टीज़र भी बहुत ही बढ़िया। उनका जो अभी नया गाना आया है वो मुझे बहुत पसंद आया। तो हाँ, उसकी शूटिंग भी इत्तेफाक से पंजाब में हुई है। तो मुझे लगता है कि वो फिल्म भी बहुत ही बढ़िया बनेगी और मुझे बड़ा एक्साइटमेंट है उस फिल्म को देखने के लिए। एक सवाल कि कहानी अलग है दोनों की, लेकिन ये भी खबरें आ रही हैं कि एक जो धोबी पछाड़ स्टंट है उसको लेकर काफी आप अपसेट हैं कि? नहीं, और कुछ चेंजेस भी किए प्रोमो में दिखा दिया। हमने कोई चेंजेस किए हैं और ना हमने कोई चेंजेस मांगे हैं, क्योंकि कुश्ती में अलग अलग पैंतरे होते हैं, अलग अलग पैंतरे, और धोबी पछाड़ उनमें से एक है। अब ये नहीं है कि यार एक पहलवान ने धोबी पछाड़ मार लिया तो बाकी हिंदुस्तान अभी धोबी पछाड़ मारना बंद कर देगा। रेसलिंग में जो सिचुएशन आती है, जब आप आके सामने वाले के साथ भिड़ते हैं तो आपको क्या मौका मिलता है, आप कौन सा मूव करते हैं, अलग अलग मूव करते हैं। और एक हो सकता है आप एक ही फाइट में 3 दफ़ा धोबी पछाड़ करें आप खुद, तो वो एक पंच सेम होना ऐसा कुछ नहीं। उसमें बहुत सारे हैं, मतलब लेट मी कंप्लीट व्हाट द आंसर। धोबी पछाड़ है, ढाक है, निकाल है, बहुत पंचेज हैं। आमिर, एक सवाल शाहरुख, आप दंगल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉपिक टच कर रहे हैं कि कैसे हरियाणा के छोटे से गांव से महावीर फोगट ने अपनी दोनों बेटियों को ओलंपिक तक की जर्नी ट्रैवल कराई। कॉमनवेल्थ हम ये कह सकते हैं कि सारे समीक्षा के बाद में बहुत ही सोशली रेलेवेंट टॉपिक आपसे फिर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज के टाइम में? आई थिंक ये कहानी आप एक बहुत ही बड़ा टॉपिक, इट गोज बियॉन्ड रेसलिंग, यू एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक दैट जो हम फिल्म बना रहे हैं, जो कहानी लिखी है, स्क्रिप्ट लिखी है नितेश जी ने, वो यकीनन उसमें रेसलिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन वो रेसलिंग से आगे जाती है। वो इंसानी कहानी है, जज्बातों की कहानी है, और मुझे लगता है कि सोशली बहुत रेलेवेंट कहानी है हमारे लिए इस वक्त। उसके अलावा बहुत ही एंटरटेनिंग भी है। जब मैंने ये कहानी सुनी तो आपको ताज्जुब होगा सुन के कि हम सच सोचते हैं कि ऐसा टॉपिक जो है बड़ा ग्रिम होगा, बड़ा सीरियस टाइप का टॉपिक होगा। तो जब मैं कहानी सुन रहा था, स्क्रिप्ट सुन रहा था, तो जितना मैं रो रहा था उतना ही मैं हंस भी रहा था, क्योंकि उसमें जिस तरह से ह्यूमर डाला है, जैसे राजू हिरानी की फिल्मों में होता है कि वो बड़ा सीरियस टॉपिक लेते हैं, लेकिन उनका जो बयान का अंदाज़ बयान है उसमें ह्यूमर बहुत होता है, वो आपको हंसाते हैं, एंटरटेन करते हैं। 3 Idiots देख लीजिए, तो यही स्टाइल नितेश जी ने भी पकड़ा है कि हालाँकि सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है, सीरियस है, लेकिन जो तरीका है बोलने का उसमें ह्यूमर और एंटरटेनमेंट काफ़ी। रिलीज डेट हमने चेंज नहीं की हमारी, कि 23 के बजाय वो नहीं 23। हाँ, एक मैं आंसर कर लूँ तो खबर गलत आई है, वो खबर गलत है। हमारी रिलीज डेट 23 दिसंबर है, हम क्रिसमस में आ रहे हैं, 23 दिसंबर के हफ्ते में आ रहे हैं, तो 23 दिसंबर फ्राइडे आता है, और हमने रिलीज डेट बिल्कुल चेंज नहीं की है, 23 दिसंबर ही है। सत्यमेव जयते का जो अगला सीज़न है, हमारी पूरी टीम चाह रही है कि हम जल्द से जल्द लाएं, लेकिन उसमें एक दिक्कत आ रही है, मैं आपको बताऊं क्या। वो ये कि जो हमारी पूरी टीम है सत्यमेव जयते की, मैं, सत्य और हमारी पूरी टीम, हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो हमको लगता है इस वक्त उसकी सख्त ज़रूरत है और हमारा पूरा ध्यान उसमें लगा हुआ है, और वो है पानी। आप लोगों ने सुना होगा महाराष्ट्र में पानी की बड़ी दिक्कत है, तो हम लोग इस वक्त हमने शुरुआत की है महाराष्ट्र से, और हमारा ये सपना है कि हम जो कोशिश चल रही है सरकार की भी, और भी ऑर्गेनाइजेशंस इसमें काम कर रहे हैं, नाना पाटेकर भी इसमें काम कर रहे हैं, तो हम उसमें हमारा योगदान दें और हम सब मिलकर महाराष्ट्र को अगले 3, 4, 5 सालों में सूखा मुक्त बनाएं। तो इस वक्त हमारी पूरी टीम जो है सत्यमेव जयते कि वो उसमें जुटी हुई है, इसलिए हम शो पे काम नहीं कर पा रहे। एक 15 साल पूरे हो गए हैं लगान को। हाँ, लगान को। हाँ, एयरपोर्ट पे मैं भूल गया था क्योंकि मैं उस वक्त, और उसने एक्चुअली मुझे याद दिलाया तो मैंने आशु को टेक्स्ट किया, और आशु को मैंने टेक्स्ट किया कि यार मुबारक को 15 साल पूरे हो गए, तो आई थिंक वो भी भूल गया था क्योंकि उसका टेक्स्ट भी नहीं आया था सर। तो फिर पूरे हमारी टीम से बात हुई, वी वर वेरी हैप्पी दैट, सो थैंक्स टू यू ऑल, वी रिमेंबर द डेट। ड्रग्स पे मैं नहीं बना रहा हूँ, अभी बनी है ना उड़ता पंजाब। आप आता आमिर, हाल ही में किरण ने कहा था कि सलमान उनके ऑल टाइम फेवरेट है और लंगोट में वो बहुत ज्यादा हॉट लग रहे हैं, ऐसा किरण ने कहा। यार मेरे सामने नहीं कहा उन्होंने। तो आप क्या कहेंगे कि आप भी इस फिल्म में लंगोट में नजर आएंगे? फीमेल से मिला है, उन्होंने कहा सलमान है। हाँ, पहले मैं इनका जवाब देता हूँ। देखिए, किरण जी ने बिल्कुल सही कहा है, सलमान वैसे ही हैंडसम लगते हैं, वो कपड़ों में हो फिर भी हैंडसम लगते हैं, कपड़ों के बगैर हो तो और हैंडसम लगते हैं, और लंगोट में हो तो और हैंडसम लगते हैं। तो यकीनन वो बहुत ही गिफ्टेड आदमी हैं और ऊपर वाले का बड़ा कर्म है उन पर, और मैं भी उनको बहुत पसंद करता हूँ। इज़ अ वेरी हैंडसम पर्सन, वेरी चार्मिंग। एक सवाल शाहरुख को लेकर, we all are very fond of him and love him। मैं लंगोट में देखूंगा कि नहीं? अमर जी, सलमान कोई सीन है लंगोट में? नहीं, मैं लंगोट में नहीं देखूंगा। अभी एक सवाल शाहरुख को लेकर, सलमान की बात, एक आप पूछिए। हर फिल्म जो ड्रग्स पे फिल्म बनती है वो सियासत में घिर के रह जाती है और सियासत उसके ऊपर काफी गरमाई जाती है, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे सर? फिल्मों के साथ पॉलिटिक्स होती है, ये देखिए कभी कभी होती है। मैं ये मानता हूँ कि जब कभी कभी फिल्में बनती हैं जो सोशल चीज़ों को सामने लाने की कोशिश करती हैं, कभी कभी कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि बदलाव आए, वो ज़रूरी नहीं कि वो सियासत से जुड़े हों, वो और भी फील्ड से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन जो तकलीफ़ें हमारे समाज में हैं, कभी कभी कुछ लोग हैं जिनको उनसे फ़ायदा होता है, तो वो नहीं चाहते कि चीज़ें बदलें। तो जब कभी कोई ऐसी फिल्म आती है जिसका बड़ा प्रभाव हो सकता है लोगों पर, तो वो चाहते हैं कि वो फिल्म ना आए, रुक जाए, तो उसकी कोशिश होती है। लेकिन ये हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी बनती है कि जब ऐसा हो तो वो उसको सपोर्ट करें, फ्री स्पीच को सपोर्ट करें और ऐसा ना होने दें, ये हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि फिल्म मेकर जो है वो पूरी अपनी 1-2 साल दाव पे लगा रहा है, तो हम तो इतना कर सकते हैं कि हम उसको सपोर्ट करें ऐसे मौके पे। सर, के बारे में बताइए थोड़ा, वो मैं आगे बताऊँ। ट्रेलर वी आर स्टिल कटिंग इट, आई डोंट नो येट। एक सवाल मेरा, जिस तरीके से शाहरुख ने बयान दिया था किसको लेकर, इनटॉलरेंस को लेकर, हाँ, कि 2 फिल्में आई, हाँ, बहुत अच्छा बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों ने नहीं किया, हाँ, ये कहा गया कि उनके बयान की वजह से सोशल मीडिया पे जब फिल्म रिलीज होती है तो ये चीज़ें ट्रेंड करने लगती हैं, जी। तो कैसे देखते हैं इस सिचुएशन को, किस तरीके से आप एनालाइज करते हैं इसे? देखिए, मैं और फिल्मों पर टिप्पणी ना दूँ तो बेहतर है, और मुझे लगता है कि हमें अपना काम करना चाहिए। मैं हमेशा इस चीज़ पर मानता हूँ, इस चीज़ में मैं बिलीफ रखता हूँ कि हर इंसान सिर्फ अपना कर्म कर सकता है, फिर बाकी उसको छोड़ देना चाहिए। आप सच्चाई से अपना काम करें, आपको जो वाकई लगता है आप वो करें और अपना कर्म करें आप, मैं उस चीज़ में बिलीव करता हूँ। फिर ऊपर वाला है और सारे फोर्सेस हैं जो हमारे हाथ में नहीं हैं, लेकिन आप कितना कर सकते हैं, आप वही कर सकते हैं जितना आप कर सकते हैं। तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि आपको अपना कर्म करना चाहिए, बाकी छोड़ देना चाहिए। सर, अभी आपने फिल्म रिलीज के टाइम सोशल मीडिया पे ये चीजें, किस पे मोदी गवर्नमेंट आने के बाद जी 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 एक किरण खेर को माफ कीजिएगा कि आपकी पत्नी किरण राव ने जी 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 एक क्वेश्चन खड़ा किया, उसके बाद आपने उस पर सोशल मीडिया पे बोला तो एक कंट्रोवर्सी खड़ी होगी। आपको लगता है अब माहौल देश में ठीक हो रहा है या नहीं? आपने वो मेरा प्रोग्राम देखा आपकी अदालत, हाँ, रजत शर्मा वाला, हाँ तो आप वो दोबारा देखिए, उसमें पूरा मैंने तफसील से 1 घंटे तक मैंने उसमें डिस्कशन दिया। बता दीजिए कि अब नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ब्रीफ में देखें, मैं चाहता हूँ आप डिटेल में देखें। हाँ मुझे ब्रीफ में बता दीजिए कि आप डर तो नहीं लगता। नहीं आप मुझे अपना नंबर दीजिए, मैं आपको वो व्हाट्सएप करता हूँ। आमिर सैराट और तिथि का आपने अभी बीच में शॉर्टेज रेडी सर, तो मैं लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ। सर आपने अभी सैराट और तिथि की तारीफ की थी अपने ट्विटर अकाउंट पे, और रिसेंटली हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड में बहुत सारे लोग रीजनल सिनेमा को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये क्या आप इस ट्रेंड को देख रहे हैं कि फिल्में तो पहले भी बहुत अच्छी बन रही थी रीजनल सिनेमा में, सडनली ये ट्रेंड आने लगा है कि रीजनल सिनेमा को देखा जा रहा है और अब डिमांड हो रही है कि हमें ये देखना है, जैसे हम लोग वेट कर रहे हैं कि सैराट किसी तरह हिंदी में आए और हम देखें। जी जी नहीं ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हिंदुस्तान में जो अलग अलग भाषाएं हैं उनकी फिल्म इंडस्ट्रीज़ और ताकतवर बन रही हैं, वो कामयाब हो रही हैं, लोग वो फिल्में देख रहे हैं। तो हमारा जो कल्चर है, हमारा जो इतिहास है, जो हमारे जज्बात हैं वो हमारे ज़बान में है। और हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें हर राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है, बड़ी अच्छी बात है कि हर भाषा में फिल्में जो हैं वो ताकतवर हो रही हैं, पसंद लोकप्रिय हो रही हैं, लोग उनको पसंद कर रहे हैं, जैसे सैराट हुई है। और मैं तो हमेशा से अलग अलग फिल्मों को सपोर्ट करता आ रहा हूँ। जब मुझे कोई फिल्म अच्छी लगती है तो मैं बेझिझक उसकी तारीफ़ करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखें, तो ये मैं हमेशा से करते आ रहा हूँ और आगे भी करूँगा। प्रोड्यूसर आपको नहीं लगता कि आप उसको और आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि वो सैराट जैसी फिल्म है अब उसका इतना बज़ हो गया है कि हिंदी दर्शक उसको देखना चाहता है, बट वो ना तो अवेलेबल है हिंदी में ना किसी ट्रांसलेट। तो मैं आप क्या चाहते हैं, मैं क्या मतलब क्या आप सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए? नहीं मैं अपनी फिल्म में एक बड़ी, मैं 2 साल में एक फिल्म बड़ी मुश्किल से बनाता हूँ। एक फोगाट साहब का हरियाणवी में कोई डायलॉग है सर, सॉरी अगेन स्टार्ट अगेन सर। हाँ If Andaz Apna Apna was to be remade, oh, so somebody will play me, somebody will play same script, identical script, sequel. Oh, they want me also. You give the time. Are you up to film? You and Salman both. You and Salman again. I would love to do a film with Salman, which is if it's Andaz Apna Apna 2, I would love to do it. Script अच्छी हो तो क्यों नहीं करेंगे, हम जरूर करेंगे। You know, for that I'll have to hear the script. Yeah, if you tell me who to cast, it's a creative decision. Do we get to see you and Salman ever again? I hope so. I hope so. But you know, the right script has to come up, and the right film has to come up, and I'm sure both of us would love to do it. Right now I don't. Right now I don't. So I'll have to now go back to the shoot.